ये देखिए बेटा, नेक्स्ट आपका आ गया लाइन, आपको समझ आया है? ये आप एक बार अच्छे से पढ़िएगा तो आपको समझ आ जाएगा। नाउ अभी यहाँ पे आया है कलर के बारे में। कलर, व्हाट इज कलर? वी सी कलर एवरीवेयर, हमें हर जगह कलर दिखाई देता है। कलर गिव लाइफ टू एनी ड्रॉइंग, बट यू माइट हैव सीन दैट कलर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नेवर सीन इन डार्कनेस। वो बोल रहा है कि जो कलर होते हैं, बहुत सारे कलर हैं हमारे पास, आप अलग अलग देखते हो, रेड, येलो, ब्लू, बहुत सारे कलर हमें नेचर में दिखते हैं, अपने आसपास नजर आते हैं। बट जो कलर है, अगर हमने एक ड्राइंग की है, ठीक है, बट अगर हम उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर फिल करते हैं तो वो उसको लाइफ देता है, वो बहुत सुंदर दिखती है। एंड हम कलर कभी भी डार्कनेस में नहीं देख सकते। जब भी डार्क होगा तो हमें कोई कलर नहीं दिखेगा, हाँ अगर रोशनी होगी, ब्राइटनेस होगी, तो वहाँ पे हमें अलग अलग कलर नजर आते हैं। सो इफ वी सी द रेनबो, वी कैन ऑब्जर्व द वेरियस कलर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सनलाइट। ये देखिए इधर इन्होंने रेनबो दिखाया है। अगर हम एक रेनबो देखते हैं सो वो हमें किससे रिफ्लेक्ट होता है? सनलाइट से रिफ्लेक्ट होता है। इधर इन्होंने यहाँ पे देखो, रेनबो में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कलर्स हैं यहाँ पर। अच्छा, 7 कलर्स, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और इसी ऑर्डर में हमने इसके कलर्स रखने होते हैं तभी ये रेनबो बनता है, अदरवाइज इट्स नॉट रेनबो। सो इसमें 7 कलर्स होते हैं और 7 कलर्स एकदम इसी ऑर्डर में हमें नजर आते हैं। वो किससे रिफ्लेक्ट होते हैं? सनलाइट से। तो उसने बोला है कि अगर हम उसमें हमें बहुत सारे कलर्स दिख जाते हैं, द वेरियस कलर्स, वी कैन ऑब्जर्व द वेरियस कलर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सनलाइट, वी कैन ऑल्सो सी दीज कलर सेपरेटली बाय द वे ऑफ एनी एन एक्सपेरिमेंट। हम ये कलर एक्सपेरिमेंट से भी देख सकते हैं। बट वेन लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म इन अ डार्क रूम, इच रीचेज द वाइट वॉल स्प्लिटिंग इंटू 7 डिफरेंट कलर्स। तो बोल रहा है कि अगर लाइट हम किसी प्रिज्म के थ्रू हम लाइट डालते हैं किसी डार्क रूम के अंदर, तो वो वाइट वॉल पे जाती है और वो बहुत सारे इन 7 कलर्स हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स वो दिखाई देते हैं। तो दिस शोज दैट वाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। तो जो वो क्या शो करता है, जो वाइट लाइन क्या शो करती है हमें, कि वो एक कॉम्बिनेशन है 7 कलर्स का। तो लाइट से ही हमें कलर नजर आते हैं। जब कोई भी कलर हमें लाइट किससे दिखता है? कलर लाइट के थ्रू। अगर कोई कलर लाइट है, कोई भी कलर का कुछ दिख रहा है आपको, उसके ऊपर लाइट आएगी, देन वो वापस रिफ्लेक्ट करती है, तो वहां पे हमें फिर कलर का रिफ्लेक्शन होता है, तो हम कलर रिकग्नाइज कर पाते हैं। सो ऐसे हमें कलर नजर आते हैं। उसके बाद आपका आया प्राइमरी कलर्स। व्हाट इज प्राइमरी कलर्स? दीज देयर आर सम कलर्स दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड बाई मिक्सिंग अदर कलर्स। जो कलर किसी और कलर को मिलाने से नहीं बनते हैं उनको हम प्राइमरी कलर्स कहते हैं। दीज कलर्स आर नोन एज प्राइमरी कलर्स। रेड, येलो एंड ब्लू आर द प्राइमरी कलर्स। ये देखिए आपका रेड, येलो एंड ब्लू को प्राइमरी कलर्स माना गया है। वो किसी और कलर की मिक्सिंग से नहीं बनते हैं। सो उसके बाद हमारे आते हैं सेकेंडरी कलर्स। सेकेंडरी कलर्स क्या है आपका? सेकेंडरी कलर्स द कलर विच आर ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग टू प्राइमरी कलर्स इन इक्वल प्रपोर्शन आर नोन एज सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर मतलब जो कलर्स हम बराबर मिक्स करते हैं प्राइमरी कलर के अंदर, दो प्राइमरी कलर के अंदर दोनों का हम इक्वल क्वांटिटी रखते हैं, सो वो हमारे प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर कहलाते हैं। जैसे कि येलो एंड ब्लू, हमने इक्वल क्वांटिटी में येलो एंड ब्लू लेंगे, देन हमें क्या मिला इधर? ग्रीन। इधर हमने क्या लिया? ब्लू एंड रेड, इट्स अ वायलेट। रेड एंड येलो, इट्स अ ऑरेंज। सो ये 3 हमारा रेड, येलो एंड ब्लू, येलो, रेड एंड ब्लू हमारे क्या हैं? प्राइमरी कलर्स हैं। देन उनमें हमने उनको आपस में 2-2 कलर्स को हमने मिक्स किया, सो हमारे पास 3 और कलर्स आ गए, ग्रीन, वायलेट एंड ऑरेंज। ठीक है, सम नेचुरल इधर ग्रे इधर है, नेचुरल ग्रेज कलर्स हैं, जो कि ग्रे कलर होता है, नेचुरल होता है। द टर्म प्योर यूज टू रिफ्रेशिंग अ प्राइमरी और एनी मिक्स ऑफ टू प्राइमरीज, इसको हम प्राइमरी कलर भी बोलते हैं। टू प्राइमरी मिक्सचर भी होता है टू प्राइमरी का, जैसे कि द सेकेंडरीज ऑफ एंड टेरेटरीज, उसको सेकेंडरी कलर्स आ जाते हैं। देन टेरेटरी विच वी हैव लुक्ड एट ऑल और प्योर कलर्स, इफ अ थर्ड प्राइमरी इज द एडिड टू द मिक्सचर, अ लेस स्टार्टेड एंडुलर कलर इज ऑब्टेन, दिस इज अ नेचुरल ग्रे। ये देखिए इधर नेचुरल ग्रे रहता है। सो द फॉलोइंग आर द नेचुरल ग्रेज विच एन आर्टिस्ट क्रिएटेड बाई एडिंग द ब्लू टू ऑरेंज, रेड टू ग्रीन एंड येलो टू वॉयलेट। ब्लू टू ऑरेंज, रेड टू ग्रीन एंड येलो टू वॉयलेट।
ठीक है, तो इधर आपको दिख रहा है ये। उसके बाद इसने दिया मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कलर्स। मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कलर की क्या होता है, कलर हैव थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक उसका क्या कैरेक्टर है, जैसे कि ह्यू, इंटेंसिटी एंड टोन। ह्यू किसको बोलते हैं, द मीनिंग ऑफ ह्यू इज रिकग्नाइजेशन ऑफ कलर्स, मतलब कि जिससे हम कलर को रिकग्नाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेड, येलो एंड ब्लू आर डिफरेंट ह्यूज, मतलब कि जो कलर का अपना एक ह्यू किसको बोलेंगे, जो उस कलर का रिकग्नाइजेशन है, जैसे कि ब्लू ब्लू है, हमें कलर पे अलग अलग कलर जो हमें दिखते हैं वो उसके ह्यू से दिखते हैं, जैसे कि रेड हो गया, येलो हो गया, ब्लू हो गया, जैसे हम उसको रिकग्नाइज करते हैं। सो इट्स अ कलर का ह्यू है वो। और इंटेंसिटी, द इंटेंसिटी डिफाइन द ब्राइटनेस और डलनेस ऑफ द कलर। इंटेंसिटी क्या है, उसकी ब्राइटनेस और डलनेस को शो करती है, जैसे कि ब्राइटनेस ऑफ प्योर और प्राइमरी कलर आर वेरी हाई। जैसे कि जो प्योर कलर है, कोई भी हमने डायरेक्ट कलर लिया, प्योर लिया, कोई कलर उसमें मिक्स नहीं किया है, जैसे कि रेड कलर है आपने ले लिया, या कोई भी प्राइमरी कलर है रेड है, तो वो जो प्रॉपर उसकी जो ब्राइटनेस दिखेगी रेड रहेगी, एकदम प्योर रेड दिखेगा हमें वो, तो इट्स अ इंटेंसिटी। बट व्हेन एनी अपोजिट कलर इज मिक्स्ड विद द प्योर कलर, अगर हमने उसका कोई अपोजिट कलर उठा के प्योर कलर में मिक्स कर देंगे, तो ब्राइटनेस डिक्रीजेज एंड देयर कम्स डलनेस इन दैम। जो उसकी ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगी और वो उसके अंदर क्या क्रिएट कर देगी, डलनेस। तो इट्स अ इंटेंसिटी, उसकी ब्राइटनेस और उसकी डलनेस। अगर हम कोई कलर आपस में मिक्स करते हैं तो वो थोड़ा सा डल हो जाता है, सो दैट्स अ ब्राइटनेस और डलनेस। देन आता है हमारा टोन। व्हाट इज टोन, द डार्कनेस एंड लाइटनेस ऑफ एनी कलर सिग्निफिकेंस इट्स टोन और वैल्यू। जो डार्कनेस और डार्कनेस, जैसे कि ब्लैक कितना ज़्यादा डार्क होता है, वाइट कितना लाइट होता है, सो इट्स अ डार्कनेस और लाइटनेस ऑफ एनी कलर सिग्निफाइज इट्स टोन और वैल्यू, उसकी सिग्निफाइज करती है उसकी टोन और वैल्यू को। व्हेन वी मिक्स ब्लैक विद एनी कलर, अगर हम ब्लैक कलर को किसी कलर के अंदर मिक्स करते हैं, वी गेट अ डार्कर टोन ऑफ दैट कलर। अगर हमने ब्लू के अंदर ब्लैक मिक्स कर दिया, ये देखिए इधर ब्लू प्लस ब्लैक, इट्स अ डार्क ब्लू, बहुत ज़्यादा डार्क आपको ब्लू दिख रहा है इधर, ठीक है, तो इट्स अ डार्कनेस। देन टोन आ गया, डार्क टोन जैसे हम बोलते हैं जिसको। देन वी मिक्स व्हाइट विद एनी कलर, वी गेट अ लाइटर टोन ऑफ द कलर। अब अगर हमने यहाँ ब्लू के अंदर व्हाइट मिक्स कर दिया, इट्स अ लाइट टोन, ब्लू का ही यहाँ पे हमें लाइट ब्लू बन जाएगा। किसी भी कलर में अगर हम डार्क ही ब्लैक को यूज करते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो वो डार्क कलर बन जाता है। अगर हम व्हाइट को मिक्स करते हैं तो वो लाइट टोन आता है, लाइट ब्लू। रेड में लाइट आप मिक्स कर दोगे व्हाइट, तो पिंक कलर आ जाएगा ऐसे करके, और डार्क ब्लैक मिक्स कर दोगे रेड में तो वो डार्क बन जाएगा, और डार्क रेड ब्राउन बन जाएगा। सो इट्स अ टोन ऑफ द कलर्स, डार्क जो डार्कनेस और लाइटनेस, सो डार्क टोन। ये देखिए ब्लू का, इट्स अ डार्क प्योर ब्लू है, ये डार्क ब्लू है इधर, डार्क टोन, मिडल टोन एंड लाइट टोन। इधर ब्लैक का डार्क टोन, ये मिडल टोन में ग्रे आ गया, देन और लाइट ग्रे आ गया इधर। तो इट्स अ, ये आपको बेसिक लाइंस, कलर्स, फॉर्म्स, हारमनी, टोन, टेक्सचर सब आर्ट के पार्ट होते हैं, ये सब हम यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। एक बार थ्रोली आप भी इसको कॉन्सेंट्रेटली पढ़िएगा, आपको सारा समझ आ जाएगा बच्चा। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू चिल्ड्रंस।